now moving on to the question number 5 the intensity of the equatorial ocean counter current varies from season to season and from month to month the strongest seasonal changes occur in a pacific ocean b atlantic ocean c arctic ocean or d indian ocean these are the four oceans we know the intensity of the equatorial countercurrent varies from season to season and from month to month the strongest seasonal changes occur in the atlantic ocean and eastward flow reaches a maximum in the summer and disappears when we proceed towards spring season seasonal changes are weaker in the pacific ocean since in questions we are asked about strongest seasonal changes the answer is b atlantic ocean विश्वतीय समुद्री प्रतिधारा की तीव्रता मौसम दर मौसम और महीने दर महीने बदलती रहती है प्रबल मौसमी परिवर्तन होता है ए प्रशांत महासागर में बी अटलांटिक महासागर में सी आर्कटिक महासागर में या डी हिंद महासागर में इसका उत्तर है विश्वतीय समुद्री प्रतिधारा की तीव्रता मौसम दर मौसम और महीने दर महीने बदलती ही रहती है प्रबल मौसमी परिवर्तन सबसे ज़्यादा एटलांटिक महासागर में होता है पूर्व दिशा की ओर प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है और बसंत ऋतु पहुं... तक पहुंचते पहुंचते यह प्राय लुप्त भी हो जाता है मौसमी परिवर्तन प्रशांत सा... महासागर में सबसे कम या कहा जा सकता है कमजोर होते हैं अतः चूंकि प्रश्न में सबसे मजबूत सीजनल चेंज या आप कह सकते हैं कि सबसे प्रबल मौसमी परिवर्तन दर के बारे में मौसमी परिवर्तन के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर होगा बी अटलांटिक महासागर